फरुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में उस वक्त हंगामा मच गया जब महिलाओं ने देसी शराब ठेके को हटाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर दिया। आपको बताते चलें कि महिलाओं ने देसी शराब के ठेके पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और की नारेबाजी। महिलाओं ने आरोप लगाया कि ग्राम उमरपुर के नाम से देसी शराब का ठेका ग्राम उमरपुर में ही जाना चाहिए, ग्राम सलेमपुर शराब ठेका की दुकान को क्यों रखा गया है। देसी शराब के ठेके को सलेमपुर से बंद कराकर उमरपुर में ले जाने को लेकर लगभग 4 घंटे तक ठेके के बाहर महिलाओं ने की नारेबाजी। महिलाओं ने शराब के ठेके को हर वक्त खुले रहने का भी लगाया है आरोप। सूचना पर उप जिलाधिकारी कायमगंज, नायब तहसीलदार कायमगंज, थाना पुलिस व आबकारी निरीक्षक व महिलाओं ने पहुंचकर उन्हें समझाया। 10 दिन के अंदर ठेका हटाए जाने को लेकर अधिकारियों द्वारा आश्वासन मिलने के बाद महिलाएं मानी। पूरा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर का है जहां पर महिलाओं ने देसी शराब ठेके को हटाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर दिया है। कौन लोग बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है ठीक है। यहाँ ठेका पे आई हूँ, क्या मामला है? मामला जो है कि टीपी की गदर मचाओ तो काना बाल बच्चा बड़े बड़े ये आएंगे काना मात तो आएंगे नंगे घूमत आएंगे अब है ना घास पूरा उजा देंगे है ना छड़पानी रस्ता मगत देंगे उम्र को। तो क्या मांग क्या है? हटवाओ जा तो जा है ठेका हटना चाहिए यहाँ से।